वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए इंडक्शन कुकटॉप को रिपेयर करने की एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों जो इंडक्शन कुकटॉप है हमारे पास जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है और घर की MCB भी डाउन हो रही है, मतलब ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप शॉर्ट है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी को ठीक करना सिखाऊंगा और अगर आप इसको फॉलो करें तो आप इसी कंपनी का और अलग जो कंपनियां हैं उनके भी इंडक्शन कुकटॉप को आप बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड इसके अंदर जो कंपोनेंट हैं वो मैंने बताए हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट ख़राब हैं, उनको चेक करना दिखाया है और जब वो कंपोनेंट सही मैंने डाले फिर सही किस तरह की रीडिंग दे रहा है मैंने वो भी दिखाया और इस वीडियो में मैंने उन सभी कंपोनेंट्स की डेटा शीट भी अटैच कर दिया जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो उन डेटा शीट को देखने के लिए और उसको बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को समझने के लिए फ्रेंड इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हाँ अब हम इसके मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को आप डायोड नापने वाले यानी कि क्वांटिटी नापने वाले पॉइंटर पॉइंट कर लीजिए और सबसे पहले हम इस मदरबोर्ड की रेक्टिफाइड डायोड को चेक करेंगे। रेक्टिफाइड डायोड चेक करने से पहले फ्रेंड आपको एक बात का और पता होना चाहिए कि इसमें जो बीच की दो पिन है वे इसकी इनपुट पिन है जहाँ पर हम AC वोल्टेज देंगे और जो इसकी आखिरी की दो पिन है वहाँ से हमें DC वोल्टेज मिलेगी। तो आप ये देखिए पहली दूसरी पिन पर क्वांटिटी शो कर रहा है, पहली तीसरी पर भी क्वांटिटी शो कर रहा है और ये देखिए जैसे ही इसको पहली और चौथी पिन यानी कि जो आउटपुट पिन पे है उसमें 1 लिखा हुआ मल्टीमीटर में आ रहा है और बीप की आवाज़ भी आ रहा है जो ये बता रहा है कि जो उसकी आउटपुट पिन है जहाँ से हमें DC वोल्टेज मिलेगी वह शॉर्ट हो गई है। लेकिन फ्रेंड हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि इसका रेक्टिफायर डायोड खराब हुआ होगा, हो सकता है इसका IGBT खराब हो सकता है इसका फिल्टर कैपेसिटर खराब हुआ हो क्योंकि सभी कंपोनेंट्स को हम सर्किट में लगे हुए चेक नहीं कर सकते। इनको बेहतर तरीके से और 100% एक्यूरेसी के साथ चेक करने के लिए आपको इनको अपने सर्किट से बाहर निकालना पड़ेगा तभी आप चेक कर सकते हैं। और आप ये देखें कि जब मैं इसके IGBT को चेक कर रहा हूँ ये भी शॉर्ट बता रहा है, ये देखिए 4 लिखा हुआ है, बीप की आवाज़ आ रही है, ये भी शॉर्ट है। तो इसके लिए फ्रेंड अब हम कंपोनेंट्स को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के मैं आपको बताऊँगा कि क्या वाकई में ये कंपोनेंट खराब है या सही है। और देखिए इसने बताया कि इसका IGBT खराब है तो हम ये नहीं करेंगे कि इसके डायरेक्ट इसका IGBT लगा देंगे और फिर उससे क्या होगा IGBT एकदम फूक जाएगा, फिर हम दूसरा IGBT लगाएंगे वह भी एकदम खराब हो जाएगा। तो हमें उस खराबी का पता लगाना है कि इसके अंदर IGBT बार बार खराब क्यों हो रहा है, हम उस खराबी का भी पता लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी कंपोनेंट लगभग इसके बाहर निकाल लिए हैं और मैं अब सब कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूं और इनको चेक करके भी दिखाता हूं कि ये सभी कंपोनेंट एक्चुअल में क्या क्या रीडिंग दे रहे हैं। और ये देखिए ये मेरा 5 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर है और आप इसको नज़दीक से देखें तो ये देखिए फट चुका है। बिना चेक करे मैं कह सकता हूँ कि ये फ़िल्टर कैपेसिटर तो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है और मैं आपको चेक करके भी इसको दिखाऊंगा लेकिन फिजिकली आप ये देखिए कि ये ख़राब है। और ये इसका IGBT है जिसका नंबर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन से मिट चुका है और ये मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर इस तरह का IGBT आपके पास है और मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप कौन सा IGBT लगाएंगे। ये इसका रेक्टिफायर डायोड है और ये इसका दूसरा फिल्टर कैपेसिटर है जो कि 0.27 माइक्रोफेराड का है। तो चलिए अब एक बार मैं अपने कंपोनेंट्स को एक बार आपको चेक करके और दिखा देता हूं कि अंदर चेक करने में और बाहर चेक करने में कितना फर्क आता है। तो सबसे पहले इसके रेक्टिफायर डायोड को चेक करेंगे तो इसमें इसकी पहली और दूसरी पिन पर कोई करंट फ्लो नहीं करा, पहली तीसरी पर पहली चौथी पर कोई करंट फ्लो नहीं करा, पहली दूसरी पर रेजिस्टेंस शो करा सही है, पहली तीसरी पर रेजिस्टेंस शो किया सही है, पहली चौथी पर इस वह शॉर्ट बता रहा था पहले सर्किट में और ये देखिए यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है 1092 के करीब जो यह दर्शाता है कि यह हमारा रेक्टिफाइड डायोड बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसके आउटपुट पिन शॉर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो ये हमारा रेक्टिफाइड डायोड बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड हम इसके IGBT को चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए इसकी राइट की जो दो पिन है उनकी क्वांटिटी को मेजर करेंगे हम। तो ये देखिए जैसे ही मैंने चेक की ये देखिए बीप की आवाज़ आ रही है और जब मैंने पलट के चेक करी तब भी बीप की आवाज़ आ रही है जो ये बता रहा है दोनों पिन शॉर्ट हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह IGBT खराब है।
जो कैपेसिटर हमारा फटा हुआ था, जो मैं ये कह रहा था आपसे कि यह ख़राब है, अब मैं आपको इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके लिए हम इसका कैपेसिटेंस को नापेंगे। और ये देखिए, मैं मल्टीमीटर से किसके इसकी कैपेसिटेंस को नाप रहा हूँ कैपेसिटर की। और ये देखिए, मल्टीमीटर में कुछ भी नहीं शो कर रहा है, मल्टीमीटर पर जीरो लिखा हुआ आ रहा है, जो ये बता रहा है ये 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, लेकिन मल्टीमीटर जीरो बता रहा है कि यह जीरो इसकी कैपेसिटेंस है, तो यह ख़राब है। ये हमारे इंडक्शन कुकटॉप में ये 0.27 माइक्रोफेराड कैपेसिटर और हमारा रेक्टिफायर डायोड बिल्कुल ठीक निकले। जो ख़राब निकला वह है ये 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर और ये IGBT। तो इस फिल्टर कैपेसिटर की जगह तो मैं ये वाला फिल्टर कैपेसिटर इस्तेमाल करूँगा, और इस IGBT की जगह मैं ये वाला IGBT इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मार्केट में ये वाला IGBT अवेलेबल नहीं है। जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ IGBT, मैं इसका नंबर आपको दिखा देता हूँ। इसका नंबर है 25N120ND 25N120ND इसका नंबर है। और वीडियो को वॉच करते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस IGBT की डेटा शीट अटैच की है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको यह पता लगेगा कि किस किस इंडक्शन कुकटॉप में आप इस IGBT को लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। यह आपको इसकी डेटा शीट पढ़ के बड़ी ही आसानी से पता चल जाएगा। अब टाइम है आपको सिखाने का कि एक ख़राब IGBT और एक सही IGBT किस किस तरीके की रीडिंग देते हैं, ताकि आप ये बड़ी आसानी से पता कर पाएँ। तो देखिए, इस IGBT में पहली दूसरी पिन शॉर्ट बता रहा है। अब मैं आपको सही में दिखाता हूँ, ये सही में देखिए, पहली दूसरी पिन पर रेजिस्टेंस शो कर रहा है। देखिए 392 के आसपास रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जो ये बता रहा है कि इसके बीच में रेजिस्टेंस है, शॉर्ट नहीं है आपस में। और ये वाला IGBT शॉर्ट बता रहा है, 6 इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब मैं आपको फिल्टर कैपेसिटर के बारे में दिखा देता हूँ कि फिल्टर कैपेसिटर सही और ख़राब चेक करने पर किस किस तरह की रीडिंग दे रहे हैं। तो इसके लिए अपने मल्टीमीटर को आप कैपेसिटर नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट जरूर करिए। तो ये देखिए, 5 माइक्रोफेराड का ये फिल्टर कैपेसिटर है, और नापने पर कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, और जो सही है वह सीधा एकदम रीडिंग दिखा रहा है, 4.25 के करीब, 4.25-4.5 का फिल्टर कैपेसिटर है, तो ये बिल्कुल सही रीडिंग दिखा रहा है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया कि खराब और सही कॉम्पोनेंट किस किस तरीके की रीडिंग दे रहे हैं। अब ये तो बात हो गई IGBT को चेक करने की कि आपने सही IGBT अपने सर्किट में लगाया। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है इसको सही तरीके से अपने सर्किट में लगाना। कुछ लोग इसको गलत तरीके से लगा देते हैं और कुछ टाइम बाद IGBT अपने आप ही ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ तरीके बताने वाला हूँ कि IGBT को किस तरीके से सही लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लगाने में लापरवाही करते हैं और लगा देते हैं बस वैसे ही, क्योंकि ये जब स्विचिंग एक्शन परफॉर्म करता है IGBT तो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो हमें इसकी हीट को इसके अंदर से बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर हीट सिंक पेस्ट जरूर लगाएं, जो इसकी हीट को यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे कि मैं इसके अंदर हीट सिंक पेस्ट लगा रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से हीट सिंक पेस्ट लगाना बिल्कुल मत भूलें। हीट सिंक पेस्ट को ऑनलाइन खरीदने का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और जब आप एल्यूमिनियम की हीट सिंक को IGBT के ऊपर लगाएं, तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि IGBT की सतह इस हीट सिंक से बिल्कुल सट जाए और बिल्कुल इससे चिपक जाए, क्योंकि जितना ये इससे चिपका रहेगा उतनी जल्दी ही आपका IGBT इस हीट सिंक से अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो पेंच है, नट है, इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइट करना है। इसको इतना टाइट कर दें कि यह इससे बिल्कुल चिपक जाए और बिल्कुल ही भी अलग ना हो। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये IGBT की डेटा शीट है, जिसका नंबर है
25N120AND, ये मेरे पास IGBT है जो मैंने अपने इस इंडक्शन कुकटॉप में इस्तेमाल किया है। और इसमें आप इसके आप फीचर देख सकते हैं, हाई स्विचिंग स्पीड है। और इसकी एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडक्शन हीटर में, UPS, AC and DC मोटर्स कंट्रोल और जनरल पर्पस इन्वर्टर में। और ये इसका डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सबसे लेफ्ट वाली पिन है वह गेट है, बीच में कलेक्टर है और सबसे राइट में एमिटर है। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स डायग्राम है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस डेटा शीट में क्या है दोस्तों, इसकी एब्सोल्यूट रेटिंग को देखना, मैक्सिमम रेटिंग को देखना। तो इसमें देखिए, इसमें कलेक्टर एमिटर की जो वोल्टेज है वह 1200 है, 1200 वोल्ट से ज़्यादा होगी तो यह खराब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये चीज़ है, गेट एमिटर की वोल्टेज जो होगी, जो स्विचिंग स्पीड होगी, जिससे हमारे जो 80-50, 85-50 ट्रांजिस्टर हैं जो इसको स्विचिंग स्पीड इसके गेट पर देंगे, वह +20 और -20 के बीच रहेगी। इससे ज़्यादा अगर होगी या इससे कम होगी तो यह वर्क नहीं करेगा, ज़्यादा होगी तो यह ख़राब हो जाएगा। इसका कलेक्टर करंट 25 डिग्री सेल्सियस पे 40 एम्पियर है, और इसका कलेक्टर करंट अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो 25 एम्पियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस डेटा शीट को और इस डेटा को अपने दिमाग में रखते हुए आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि किस इंडक्शन कुकटॉप में इसको लगाना है और किस में नहीं लगाना है। तो ये मैंने आपको इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहते हैं, तो एक कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।